दिस वीडियो इज नॉट इंटेंडेड फॉर किड्स, इट्स इंटेंडेड फॉर वाइड कलेक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो हाय गाइस, हम आ गए हैं वापस फिर से एक और गजब के वीडियो के साथ। और गाइस, आप देख के समझ गए होंगे यहाँ पे क्या होने वाला। तो यस गाइस, यहाँ पे है अपने पास मरकरी अनूबिस, यहाँ पे है गाइस कुछ गजब के बेब्लेड्स। तो यस गाइस, ऑब्वियसली मरकरी अनूबिस से रिलेटेड कुछ होने वाला है। और गाइस, मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों को लगता है मरकरी अनूबिस बेकार है वगैरह है, और जो भी खरीदता है मोस्टली मुझे लगता है कलेक्शन पर्पज के हिसाब से खरीदता है। बट गाइस, ये मरकरी अनूबिस थोड़ा सा डिफरेंट है, और मैं बताता हूँ अभी क्यों। और क्योंकि डिफरेंट है तो ऑब्वियसली परफॉर्म भी डिफरेंट करेगा, और बिलीव मी मजा आने वाला है। तो चलो मैं पहले पास से दिखा देता हूँ कि मरकरी अनूबिस कैसा, फिर मैं बताता हूँ उसमें अलग क्या है। तो यस गाइस, अगर आप ध्यान से देखो तो ये है अपना मरकरी अनूबिस। थोड़ा सा कंडीशन गड़बड़ है, बट कोई नहीं, मिलना ही बहुत बड़ी बात है क्योंकि मिलते ही नहीं आजकल। तो ये यस गाइस, ये है मरकरी अनूबिस, और आज ये अच्छा परफॉर्म करेगा ये मुझे लगता है। वो तो देखेंगे कि अच्छा करता है कि नहीं। और गाइस, उसके नीचे अगर आप ध्यान से देखो तो आप मुझे बताओ आपको यहाँ पे क्या डिफरेंट दिख रहा है। कुछ ना कुछ तो देखो डेफिनेटली डिफरेंट है। और गाइस, अगर आपने पकड़ लिया तो यस अच्छी बात है, अगर नहीं पकड़ पाया तो मैं बताता हूँ। तो गाइस, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आप देखोगे ट्रैक थोड़ा सा हाई ट्रैक का जाता है। तो यस गाइस, ये 85 ट्रैक नहीं है, ये है येलो कलर का 90 ट्रैक। तो यस गाइस, ये मरकरी अनूबिस हो गया 90XF, ऐसा है गाइस इसका सीन। और ये बहुत पागल होने वाला है भाई, 90 स्पिन ट्रैक लगा दिया हम लोगों ने, तो काफी अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि हाइट बढ़ गया है। तो अटैक पावर तो मतलब थोड़ा सा डिग्रेड हो सकता है, बट फिर भी गाइस, अब ये स्क्रैप जो स्टेडियम में करता था कम करेगा, तो वो तो खैर अभी देखेंगे। तो यस गाइस, इसका बैटल करेंगे मरकरी अनूबिस का, और आई होप आप एक्साइटेड हो गए क्योंकि यार मैं तो देखो डेफिनेटली हूँ। यहाँ पे कुछ बेस रखे इनके अगेंस्ट, ट्राई करेंगे देखेंगे हरा पाएगा कि नहीं। और गाइस, 4D बेस मैं इसलिए नहीं यूज कर रहा हूँ क्योंकि मरकरी अनूबिस काफी लाइट वेट होता है, तो इन बेस से एक्चुअली उनका कंपेरिजन बनता है। तो यस गाइस, ट्राई करेंगे मरकरी अनूबिस को। तो आपको क्या लगता है आप बताओ कमेंट सेक्शन में, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर वो तो दबा के करना है, ठीक है। तो चलो गाइस, ये तो सारी बात हो गई, अब क्या करते हैं बिना किसी देरी के बैटल की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं पहली बैटल स्टार्ट करूंगा गाइस वुल्फ से। तो चलो देखते हैं वुल्फ को हरा पाएगा अनूबिस या नहीं। ये गया गाइस वुल्फ अपना प्री हैबिट, अब वारी है अनूबिस की गाइस। ये गया अनूबिस, और पहला लॉन्च तो खराब हो गया, फिर से करना पड़ेगा। चलो देखते हैं गाइस, मुझे लगा था मरकरी काफी कंट्रोलेबल हो गया, बट थोड़ा सा अभी भी पागलपन है आई थिंक। और बाहर जाते जाते इस बार तो खैर बचा है, मुझे लग रहा है वुल्फ से हार जाएगा गाइस क्योंकि वुल्फ का ऑब्वियसली स्टैमिना। अरे जीत गया भाई, क्या बात है क्या बात है, जीत गया, बहुत अच्छे शेर बहुत अच्छे। अब गाइस लाते हैं रे स्ट्राइकर, देखते हैं इसको हरा पाना मुश्किल होगा मेरे हिसाब से। ये क्या स्ट्राइकर, अब बारी है अनूबिस की गाइस, और एज यूजुअल पागल हो गया भाई, 90 स्पिन ट्रैक के बाद भी पागल हो रहा है। एक और मौका मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है रे स्ट्राइकर गाइस, अब बारी है अनूबिस की। मुझे लगा कुछ मुझे लॉन्च थोड़ा सा इसका सही करना पड़ेगा। यस, मेरा लॉन्च काफ़ी अग्रेसिव हो जा रहा है, इस वजह से बाहर जा रहा है, फिर से करना पड़ेगा मुझे और लॉन्च सही करना पड़ेगा। लॉन्च में मेरी दिक्कत है आई नो। चलो ट्राई करते हैं गाइस, बहुत टिल्ट नहीं किया इस बार मैंने, और टिल्ट ना करने की वजह से ही ऐसे पागल हो रहा है अभी फिलहाल। और बन गई है स्टैमिना बैटल, बन गई तो ऑब्वियसली रेस ट्राई करके जीतने का चांस काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। बट फिर भी गाइस, मतलब पर्सनली मैं बोलूँ तो अनूबिस बहुत अनकंट्रोलेबल बेब्लेड है, और सिर्फ जरा सा ट्रैक की हाइट बढ़ाने से इतना परफॉर्मेंस का डिफरेंस आ जाता है, बहुत गजब की बात है। मुझे लगा नहीं था आएगा, बट आ गया है। अभी मुझे लगता तो नहीं देखो ये रेस ट्राइकर को हरा पाएगा, बट फिर भी देखते हैं। अच्छा परफॉर्मेंस, फिर भी यार अच्छा परफॉर्मेंस दिया क्योंकि रेस ट्राइगर कोई कमजोर बेब्लेड तो नहीं है। तो रेस ट्राइगर को नहीं हरा पाया, कोई नहीं, बाद में एक आध बैटल और कर लेंगे अगर टाइम बचा तो। अभी गाइस करते हैं काउंटर एरीज से एक बार। ये क्या गाइस एरीज, अब बारी है अनूबिस की। ये क्या अनूबिस गाइस, इस बार मैंने टिल्ट लॉन्च कर दिया है, और अनूबिस को यार फ्लावर पैटर्न में अभी भी लॉन्च करने में दिक्कत हो रही है। क्या बोलते हो, 100 ट्रैक हाइट होना चाहिए तब अच्छा होगा क्या, पता नहीं गाइस। ये मुझे बाकुशिन बेलजेब वाला फीलिंग देता है क्योंकि वो भी बेबलेट बहुत अनकंट्रोलेबल है और चलते ही नहीं पता नहीं क्यों सही से। तो बाकुशिन बेलजेब अनूबिस में मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है परफॉर्मेंस के हिसाब से, और जीत भी सकता है यार, मतलब नॉट बैड। स्टैमिना का फ़ायदा यहाँ पर उठा सकता है क्योंकि एरीज ऑब्वियसली डिफेंसिव है, तो जीत सकता है यहाँ पे अनूबिस, और जीत गया। क्या बात है भाई क्या बात है, फिर भी एक मौका और देंगे, एक बार और ट्राई करना पड़ता है। ये गैरीस, अब बारी है अनूबिस की गाइस। अरे यार फिर से करना पड़ेगा, मुझे लगा ही था लॉन्च गड़बड़ है, एक्चुअली गड़बड़ हुआ भी था, बट फिर भी कोई नहीं चलता है।
अरे क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? एरीज भाई लॉन्च ही नहीं होना चाह रहा है, कह रहा मैं हूंगा ही नहीं लॉन्च। और ये बारी है गाइस अनुबिस की। भाई क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो, सही से लॉन्च हो जाओ। चलो एक बार फ्लावर पैटर्न अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। फ्लावर पैटर्न करने के चक्कर में रीस से ही जाके बिड़ गया आज, पता नहीं मेरा दिन खराब है भाई। खैर कोई नहीं, देखने क्या होता है यहाँ पे। स्टेमिना में तो मुझे लग रहा है यार ये रीस को ऐसे ही हरा देगा, बट अभी भी फ्लावर पैटर्न करने में देखो दिक्कत हो रही है, कंट्रोलेबिलिटी का अभी भी थोड़ा इशू है, बट पहले जितना नहीं है। तो मतलब यूजेबल हो गया देखो अनुबिस 90 ट्रैक के बाद, मुझे तो यार मज़ा आ रहा है अनुबिस यूज़ करके। थोड़ा सा पावरफुल लॉन्चर यूज़ किया होता ना तो और मज़ा आता। तो अगर आप अनुबिस पे डिटेल बैटल देखना चाहते हो काफ़ी लंबी लंबी तो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। बाकी ये तो जीत गया, क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटे। अब गाइस लाते हैं ये अपना कैप्रिकॉन का कस्टम कॉम्बो मेटल फेस 125 SF के साथ। ये भाई तगड़ा कॉम्बो है स्टॉर्म कैप्रिकॉन का। और ये क्या गाइस, ओ भाई, ओ भाई, ये क्या है, ये क्या है भाई। तो गाइस ये कैप्रिकॉन का कॉम्बो बिल्कुल ट्राई करो। अनुबिस ने अच्छा अटैक किया था लेकिन छुट्टी कर दी। ये कॉम्बो भाई ख़तरनाक है, ये मैंने ऐसे रैंडमली बनाया था एक दिन और मुझे पता नहीं था ये इतना ओपी निकल जाएगा। अरे यार भाई बेड़ा घर को फिर से करना पड़ेगा। तो भाई बहुत परेशान कर रहा है और इसलिए मैं वीडियो एडिट नहीं करूँगा ताकि आप देख लो कि कितने ट्राई मुझे लग रहे हैं इसको सही से लॉन्च कराने में। इस बार फ्लावर पैटर्न अच्छा लॉन्च हुआ है पर मुझे डाउट है कि कैप्रिकॉन को हरा पाएगा, क्योंकि भाई ये कैप्रिकॉन का कॉम्बो बहुत अच्छा है मेटल फेस के साथ 125 SF स्टॉर्म कैप्रिकॉन रॉक्स। कैप्रिकॉन को यार ये कॉम्बो देना चाहिए था एनीमे में, देख रहो पावर देख रहो, तो इसको भी नहीं हरा पाया भाई, मुझे लगता भी नहीं हरा पाएगा। फिर गाइस लाते हैं सजिटेरियो जिसको मुझे लगता है नहीं हरा पाएगा ये, क्योंकि सजिटेरियो स्टैमिना टाइप बीच में घूमेगा और अनुबिस एमआईएससी तैसी कर देगा, अपनी खुद की खुद ही ऐसी तैसी कर देगा। तो भाई अनुबिस यूज़ करने लायक हो गया है बट मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ थोड़ी सी कमी लग रही। तो क्या बोलते हो, ट्रैक का हाइट थोड़ा और बढ़ाना चाहिए नेक्स्ट वीडियो में बताना, और क्या लॉन्चर को भी पावर वाला लॉन्चर यूज़ करना चाहिए। बट इतना बुरा भी नहीं परफॉर्म किया मैं कहूँगा, क्योंकि क्या होता है ना जब सिंगल सिंगल लॉन्च करो तो उतना अच्छा लॉन्च नहीं हो पाता, जब एक पे एक ब्लेडर लॉन्च होता है वह, कि मतलब दो ब्लेडर एक साथ लॉन्च कर रहे हैं वन ऑन वन, तब भाई जो परफॉर्मेंस निकल गया था वो चीज़ ही अलग होती है, तब आप एक्चुअली ना अटैक टाइप का प्रॉपर पोटेंशियल यूज़ कर पाओगे। अरे जीत गया, क्या बात है भाई, क्या बात है, एक बार और करेंगे, एक बार और करेंगे। स्टैमिना में सजिटेरियो को हरा रहा है भाई, नाम रोशन करेगा लगता। अरे भाई फिर से करना पड़ेगा, इतना अच्छा फ्लावर पैटर्न बनाया था सब खराब कर दिया। ये क्या सजिटेरियो, ये बात ये इसकी, और ये लो सारे किए खराब, पानी फिर गया। तो भाई ये दोनों तो देखो ही नहीं हरा पाएगा, मैं दोबारा करने के मूड में भी नहीं हूँ क्योंकि मैं थक गया हूँ करके, क्योंकि मज़ा कम आ रहा है थोड़ा सा। मुझे लगता है इसका ट्रैक हाइट बढ़ाना चाहिए क्योंकि अभी भी ये कंट्रोलेबल उतना ज़्यादा है नहीं जितना मतलब मैं सोचा था, बट फिर भी यूज़ करने लायक तो हो ही गया एटलीस्ट। कि हाँ अगर कोई सामने ब्लेडर होगा मैं ट्राई करूँ तो मैं अच्छा अटैक दे सकता हूँ इससे, इतनी तो कंट्रोलेबिलिटी जनरेट हो ही गई एटलीस्ट। देखते हैं क्या ये अला मैच भी जीत पाएगा, अभी तक कांटेक्ट तो नहीं हुआ यार, जीत तो सकता है यार, क्या बात है जीत गया भाई। तो यार इतना भी बुरा नहीं है, अच्छा कर रहा है। डार्क वुल्फ से गाइस ट्राई करते हैं। ये क्या गाइस डार्क वुल्फ, अब बारी है गाइस अनुबिस की। ये क्या गाइस अनुबिस, स्क्रेप कर रहा, बहुत स्क्रेप कर रहा भाई स्टेडियम में। चलो देख लेते हैं क्या करता है। आई थिंक अगर ये सजिटेरियो को स्टैमिना में हरा सकता है तो डार्क वुल्फ को भी हरा ही देना चाहिए। अगर डार्क वुल्फ को हरा दिया ना भाई मैं सेटिस्फाइड हो जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट तो देखो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जिस हिसाब से ये हरा है बाकी बेब्लेड से। तो इसको होना चाहिए अटैक टाइप लेकिन एक काम इसके बैलेंस टाइप वाले हैं भाई, हरा दिया। एक बार और ट्राई करेंगे गाइस, एक बार और ट्राई करेंगे। ये क्या गाइस डार्क वुल्फ, बारी है अनुबिस की गाइस। ये क्या अनुबिस, ओ भाई
बाहर जाते जाते भैया जी बचे हैं, वो पागल बहुत हैं भैया जी। चलो भाई देखते हैं क्या होता है इधर पे, क्या गुल खिलाता है अनूबिस। उम्मीदें तो मुझे बहुत हैं इससे भाई, मुझे लगता है जीतना चाहिए। तो अभी जितने लोगों कमेंट पे पॉज करके तुरंत बताओ कि क्या लगता है अनूबिस बुलकर आएगा कि नहीं। एक बार तो देखो कर चुका, क्या दोबारा कर पाएगा वो मिरेकल या नहीं। अगर भाई इसने हरा दिया ना मैं खुश हो जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगा था तीन जीतेगा तीन हारेगा, तो मुझे लगा यार फ़ायदा नहीं हुआ कुछ अपग्रेड करने का। बट अगर यार चार जीता दो हारता है तो मतलब सेटिस्फैक्ट्री है, और भाई जीत गया, काफ़ी अच्छे से जीता है। तो यार मेरे हिसाब से तो यार ये काफ़ी सही परफॉर्म कर रहा है। और अगर बताना आपको लगता हो ट्रैक हाइट बढ़ाने का फ़ायदा है कि नहीं, यार बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए, मुझे लगता है अभी सफिशियंट है और अभी तो सही चल रहा है यार। मतलब एक दो मैच तो हारेगा ही ऑब्वियसली, तो मेरे हिसाब से तो गाइस सही है, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है 90 ट्रैक हाइट के साथ अगर मैं किसी बेबलेट के साथ मतलब दो लोग मिलकर अगर आपस में बैटल करेंगे तो ये अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि सिंगल में यार सही से हो नहीं पा रहा है। खैर जो भी है आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था, मैं आपसे मिलूंगा फिर किसी वीडियो में फिर किसी दिन। तब तक के लिए गाइस safe or happy blading।